सो गाइज़, ये वीडियो जो है ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आ रहे थे, प्लीज़ बताइए कि ब्लैक हेड को किस तरह से रिमूव करना है और अगर आपको लार्ज ओपन पोर्स हैं तो उसको किस तरह से ठीक करना है। तो आज मैं आपके साथ यही चीज़ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो स्पेशली ब्लैक हेड्स वालों के लिए है। आपको ब्लैक हेड हैं, वाइट हेड हैं, आपके ओपन पोर्स हो चुके हैं, लार्ज ओपन पोर्स हैं, तो उसको श्रिंक किस तरह से करना है सारा इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक आपको वीडियो ध्यान से पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, कोई भी रेमेडी अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। तो यहाँ पे मैं वेट टॉवल के साथ अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। आप चाहें तो फेस वॉश का यूज़ कर लें, क्लींजर का यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे वेट टॉवल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह उठते ही अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश किया था। सो गाइस, फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है तो सबसे पहले यहाँ पे हम ब्लैक हेड्स को, वाइट हेड को रिमूव करते हैं। मेरे नोज़ पे काफ़ी ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे टूथपेस्ट का यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पेप्सोडेंट यूज़ किया है। आप चाहें तो कोलगेट यूज़ कर सकते हो। आपको पेप्सोडेंट या कोलगेट ही लेना है, दोनों में से कोई भी टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। इसको आपको इतना सा लेना है और अपने नोज़ के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। आपको थिक लेयर अप्लाई कर लेनी है नोज़ के ऊपर और उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से वेट करना है। 5 से 10 मिनट में क्या होगा कि मिंट सेंसेशन आपके नोज के ऊपर आपको फील होगा। उससे क्या होगा कि 5-10 मिनट के अंदर अंदर ये क्लोज्ड पोर्स को ओपन कर देगा और जितनी भी डर्ट है आपके नोज के ऊपर, ऑयल है, जितने भी ब्लैक हेड्स हो रखे हैं, वाइट हेड हो रखे हैं, उनको अच्छे से निकाल के ये बाहर फेंकने वाला है। इसके बाद आपको वॉश नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप एक टॉवल लीजिए अपना और उसका कॉर्नर ले लें। कॉर्नर को आप अच्छे से वेट कर लें और अच्छे से उसका पानी जो है वो स्क्वीज कर लें टॉवल का। और उसके बाद आपको अपने नोज़ पे अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। धीरे धीरे मसाज देते हुए, स्क्रबिंग करते हुए आपको ये जितना भी पेस्ट आपके नोज़ पे अप्लाई हो रखा है इसको आपको रिमूव करना है और सिर्फ आपको इस टॉवल के साथ ही रिमूव करना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपको यूज़ करना है। गाइज, इसके बाद आप खुद रिजल्ट देखना। एकदम से आपके जितने भी ब्लैक हेड हैं वो सारे रिमूव होंगे और आपका जो नोज़ है वो एकदम शाइन करना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सारी ऑयल, डर्ट जितना भी था इसके अंदर वो सारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसकी वजह से आपका नोज़ शाइन करेगा। मैं इस रेमेडी को हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ, आप 2 बार भी कर सकते हो, कोई हार्म नहीं होगा आपके नोज़ पे। ये यूज़ करने से क्या हुआ है कि आपके नोज़ के जितने भी क्लॉग्ड पोर्स थे वो ओपन हो गए हैं, तो इसको अब हमने बंद करना है, श्रिंक करना है इन पोर्स को। तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो गाइज, इस इंग्रेडिएंट को तो सब जानते हैं क्योंकि चाय में डालते हैं इसको। सौंफ है ये, तो इसको चाय में डालते हैं, इसका टेस्ट चाय का बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह से ये हमारी स्किन पे भी बहुत अच्छे से वर्क करता है अगर इसे अच्छे से यूज़ किया जाए, ध्यान से यूज़ किया जाए। सौंफ के साथ साथ मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया है। 1 गिलास पानी के अंदर मैं इसमें 1 चम्मच सौंफ का पूरा मिक्स कर रही हूँ, डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सो गाइज, इस वाटर को आपको 2 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल करना है, या अगर आप बॉयल नहीं करना चाहते हो तो आपको इसको कम से कम आधे घंटे के लिए इसी तरह से रेस्ट करने देना है इस गिलास। तो आधे घंटे बाद आप देखोगे कि इसका कलर जो है वो स्लाइटली ग्रीन हो जाएगा। तो जब तक इसका कलर स्लाइटली ग्रीन नहीं हो जाता आपको इसको भिगो के रखना है या फिर आप इसे बॉयल कर लें जल्दी जल्दी में अगर आपको जल्दी यूज़ करना है तो। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ। 1 चम्मच मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी का लिया हुआ है और ये जो सौंफ का पानी हमने बनाया है इसके 1 से 2 चम्मच जो है इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्सचर जो है वो मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा पेस्ट जो है वो बन के रेडी हो जाए। तो इस तरह से इन दोनों इंग्रेडिएंट को यूज़ करके मैं अच्छे से ये पेस्ट जो है वो बना के रेडी कर लिया है जो कि ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। तो इस पेस्ट को हम अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ पर आपके ओपन पोर्स हैं, सिर्फ उसी के ऊपर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, पूरे फेस पर मैं इसे अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो ये जो रेमेडी है ये बहुत अच्छे से काम करने वाली है ओपन पोर्स के लिए, आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ कर देगी। कितने भी लार्ज ओपन पोर्स हैं आपको खुद असर जो है वो देखने को मिलेगा। ये पेस्ट जो है ये बहुत ही कूलिंग मास्क की तरह आपके फेस पे काम करने वाला है। पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, उनको भी रिमूव करेगा और डीपली क्लीन कर देगा आपके पोर्स को, जिसके साथ आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड सब कुछ रिमूव होने वाला है और आपके जो ओपन पोर्स हैं उनको श्रिंक होने में बहुत अच्छे से हेल्प मिलने वाली है। मेरे पूरे टी जोन पे अच्छे से ओपन पोर्स हो रखे हैं, नोज़ पे, अपने चीक्स एरिया पे और फोरहेड पे। तो मैंने यहीं पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है और 5-10 मिनट के लिए मैं यहाँ पे वेट करने वाली हूँ। 5-10 मिनट ही वेट करिएगा, बहुत ज़्यादा इसको लगा के मत रखना, नहीं तो आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई आउट हो जाएगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको ज़्यादा देर अप्लाई करके ना रखना, आप इसको 5 से 10 मिनट से ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे अच्छे से सुखाइए, उसके बाद इसको रिमूव करना है आपको।
सो गाइज जब ये मास्क जो है वो सूख जाएगा और 5-10 मिनट हो जाएंगे तो आप इसको अच्छे से वॉश कर लें। आप इसको कूल वाटर के साथ वॉश करेंगे, ठंडे पानी के साथ कर लें, या फिर सीधा आप आइस क्यूब के साथ भी इसको रिमूव कर सकते हो, आइस क्यूब को अपने इस मास्क के ऊपर रब करते हुए। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं उनको मिनिमाइज़ होने में बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी, जो कि आपको खुद रिज़ल्ट जो है वो देखते ही इसके बाद आपको देखने को मिलने वाला है। सो गाइज अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर, जो कि है टोनर, और इसी से हम टोनर बनाने वाले हैं। तो जो सौंफ का पानी बचा था उसको मैंने स्प्रे बॉटल में अच्छे से डाल लिया है। आपको इसी तरह से स्प्रे बॉटल में डाल के इसको रेफ्रिजरेटर में रख देना है 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे एज ए टोनर। इसको अप्लाई करना है दिन में 2-3 बार आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सुबह अप्लाई करिए, दोपहर में या शाम में करिए, और रात में सोते वक्त इसको ज़रूर अप्लाई करें। सो गाइज ये टोनर जो है ये बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है आपकी स्किन पे, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, रिफ्रेश करेगा, जितने भी पोर्स हैं उसको क्लीन करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। डर्ट होगी, एक्सेस ऑयल होगा, सिबम, डेड स्किन सेल सबको निकाल के ये बाहर फेंकेगा, प्लस जितने भी आपके जर्म्स हैं, इन्फेक्शन है आपकी स्किन पे वो भी नहीं आएगी, सारी इन्फेक्शन को दूर कर देगा। पिंपल्स वगैरह जो भी हैं, जर्म्स वगैरह स्किन के ऊपर बिल्कुल नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से पिंपल्स, एक्ने, मार्क्स ये सब हटाने में भी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। सो गाइज इस टोनर को आप 5 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में रख के यूज़ कर सकते हो, 5 दिन से ज़्यादा इसको यूज़ ना करिएगा। सो गाइज इस तरह के स्टेप मैं फॉलो करती हूँ अपने ओपन पोर्स को, लार्ज ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। जितने भी मेरे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वाइट हेड हो जाते हैं, मैं उनको इसी तरह से इसी स्टेप को फॉलो करके यूज़ करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये रेमेडी पसंद आई होगी। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो प्लीज़ मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, आपको हैंडल नेम स्क्रीन पे दिख जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर सकते हो आप आगे। सो गाइस इस तरह की वीडियोज़ मैं और लेके आती रहूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।